देख रहे हो यहाँ पे चल रहा है गेम, 2 मिनट के लिए खड़े रहना है और 5000 रुपीज़ यहाँ पे छोड़ना है। गाइस पूरा देखना, मजा आएगा, देखते हैं क्या होता है। पहले क्या है, आज है नहीं तो रवि भाई ही आज हमारा साथ देंगे। और आज हम जो लोग जा रहे हैं ना दिल्ली, दिल्ली में कुछ स्पेसिफिक जगह है क्योंकि आपको पता है खाने पीने के लिए हम जाते हैं और वहीं आज जाना है। तो रवि भाई ने बताया कि कचौड़ी खाने जा रहे हैं दिल्ली में, बहुत ही अच्छी जगह है, वो सरप्राइज है, यानी कि वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो थोड़ा मैं रोक के बताऊंगा जा कहाँ रहे हैं। तो जगह पहुँच के ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी जगह जा रहे हैं। तो चलते हैं, तब तक आप वीडियो के साथ बने रहो और शेयर करो, लाइक करो और मजे लो सफर के। तो गाइस अभी हम आ गए हैं देहरादून, विचार तो था दिल्ली जाने का बट देहरादून आ गए हिल स्टेशन। देख रहे हो जगह, देखो कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ी है साइड में और सामने का रोड। अरे भाई दिखाना सामने का रोड एक बारी, इतना अच्छा नजारा है ना, मस्त जगह। अब एक्चुअल बताऊं तो ये दिल्ली NCR ही है। दिल्ली NCR से मतलब अभी देखोगे दिल्ली NCR में ग्वालपाड़ी साइड है और बिल्कुल अच्छा है, ऐसा लगता है कि हम पहाड़ों पे घूम रहे हैं, बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। अब साइड वाइज दूसरा रोड जाके, क्योंकि अगर मेन हाईवे से जाते तो हमें ट्रैफिक बहुत मिलता, इसलिए इस रोड से जा रहे हैं। और जहाँ भी हम दिल्ली रहे हैं, कहीं देहरादून वगैरह भी नहीं पहुँचे, देहरादून जाएंगे तो वहाँ के भी बनाएंगे, बट फिलहाल में अभी हम दिल्ली जा रहे हैं। ये देखो कितना बड़े लग रहा है भाई, दिखाना भाई साहब, है ना मस्त जगह। तो दिल्ली NCR की भी बहुत बढ़िया जगह है, अगर किसी को ट्रिप पे निकलना है तो यहाँ निकले, ये भी बहुत अच्छी जगह है। बाकी चलते हैं अभी। तो भाई जाना तो हमें वैसे कहीं और था, लेकिन चूंकि ट्रैफिक बहुत था उसकी वजह से हम उधर पहुँच नहीं पाए, वहाँ दूसरी बार जाएंगे जब अगली बार आएंगे मैं और रवि भाई और सब। तो अभी हम लोगों ने सोचा जब इधर दिल्ली आए गए हैं तो मतलब कहीं ना कहीं तो जाना ही है, तो सोचा कि फिर नज़दीक में हमें मिलता है मूलचंद चूर चूर नान, जो कि यहाँ की बहुत स्पेशल है, और मूलचंद का परांठा। सो अभी हम लोग यहीं विज़िट किए हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शंस है। सो जाते हैं अब अंदर, कुछ ऑर्डर करते हैं और दिखाते हैं आपको भी, अच्छी जगह है, आप लोग भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। भाई हुआ क्या ना कि अभी योगेश का आया फ़ोन, वो अभी है तो ऑफिस में ही, बोल रहा है कि भाई तुम बिना बताए चले गए। तो अब उसका फ़ोन आया, बोल रहा है कि वहीं रुको मूलचंद, मैं भी आ रहा हूँ, थोड़ा सा प्रोग्राम में हो गया हमारा चेंज, क्या बोल रहा है मैं भी आ रहा हूँ। सो अब साथ में ही मतलब वो आ जाएगा, फिर साथ में ही कुछ ना कुछ खाएंगे पियेंगे। तब तक देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत हम खा भी लेते हैं, भूख भी लग रही है। नोएडा, अच्छा फिर अब रवि भाई बोल रहे हैं कि फिर एक काम करते हैं यहाँ से चलना नोएडा, नोएडा की खाने पाव भाजी क्योंकि बहुत अच्छी बनती है वहाँ पे। तो अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है, पहले तो उसका वेट कर रहे हैं, उसको भी कम से कम 1 घंटा लगेगा, तब तक हम कुछ ना कुछ तो खाएंगे पियेंगे। तो भाई अभी हम ना वेट कर रहे हैं योगेश का और साथ ही साथ हमने कुछ खाने पीने के लिए लगवा भी दिया। खाने पीने के लिए हमने क्या क्या लिया है, एक तो बल्ला पापड़ी है ना, एक बल्ला पापड़ी और साथ में फिर उसके बाद ना चाय भी लिया क्योंकि चाय पीने का मन भी बहुत कर रहा था यार। और अभी पहले तो बल्ला पापड़ी खाएंगे, उसके बाद फिर वेट करते करते चाय की चुस्कियों के साथ उसका वेट भी करेंगे, फिर आएँगे, फिर यहाँ नहीं कहीं और जाएँगे, देखते हैं क्या करेंगे। अभी तो कुछ प्लान बन नहीं रहा है, मैनेजर साहब ने बीच में हमारा प्लान चेंज कर दिया, सो वी आर वेटिंग फॉर हिम, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। तो भाई अब वेट करते करते बस एक ये तो मंगवा लिया हमने बल्ला पापड़ी, बस इसी को खाते खाते ना अब इंतज़ार कर रहे हैं मैनेजर साहब का, आएंगे, बहुत सारे प्लान बन रहे हैं अभी हमारे 5 मिनट के अंदर में ना कि वहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, बट अभी फाइनल तो ना आने के बाद ही पता चलेगा कहाँ चलेंगे। है रवि भाई, तब तक हम इंजॉय करते हैं थोड़ा सा इसको और वेट करते हैं। इतने इंतज़ार के बाद मैनेजर साहब दिख तो गए आते हुए, ना इन तीनों में से ना है,
ये आ गए, मैनेजर नहीं है, ये मैनेजर नहीं, नहीं ओ आ गए, यही है ना, देखा तो लग रहा है यही है। ओहो अच्छा जी, क्या बात है, देखो आते ही भुक्कड़ आदमी आते ही लग गए। बैठ जा लेकिन ना भाई, आराम से बैठियो यार, धुलवा के लाओ, मेहनत लगी आज प्लीज। भाई देख, अगर तू आराम से बैठेगा तेरा ही फायदा है, तेरे को अच्छा लगेगा, एम्बियंस बना रहेगा, गंदी करके बैठेगा नुकसान तेरा ही है। अच्छा खोली ना मैंने अभी, देख गजब बेइज्जती है, बैठ जा लेकिन भाई इज्जत से बैठियो ना। देख बड़े पहले प्यार से तो बैग रख, जूते रख के बैठा, जूते रख के बैठ, जूते उतार के सर पे रख के, हाँ सही से उतार के सिर पे रख के तब बैठ, बैठ जा अब। अरे 9 बज गया भाई, जल्दी बैठ, देख लो चलना कहाँ, मेरे को बताओ। हाँ आराम से बैठियो, आराम से बड़े प्यार से, और गेट आराम से लगा रहा है। हाँ बड़े प्यार से गेट लगी हो यार, है ना, अपनी समझ के। हाँ हाँ थोड़े हिसाब से, थोड़े और हिसाब से, देख लगना जाए, लगना जाए, लगने जाए आराम से। हाँ, देख फिर भी मारी थी वाके। अरे यार वो कौन सी पिक्चर थी यार, वो पीके पीके पीके, यही जो मुद्रा था, हाँ खड़ा हुई मुद्रा था वही जगह। हाँ तो भाई साहब यही भी खड़े हुई मुद्रा था। अबे यार पिक्चर, एक बात तो बता। हाँ भाई, ये सामने गाड़ी कौन सी है भाई? ये है मर्सिडीज। कितने की होगी ये गाड़ी भाई? देख एग्जैक्ट तो मेरे को ही नहीं पता, बट लगभग अंदाजन होगी भाई 2 करोड़ से आसपास की। क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ, और ये भी ट्रैफिक में ऐसी चल रही है हमारी तरह। हाँ धक्के खा रहा है, फायदा क्या है फिर ऐसी गाड़ी लेने का? सही है, मतलब हम तो सही जगह है फिर, हमारी 10 लाख की बढ़िया है। हाँ भाई बिल्कुल बढ़िया है फिर तो भाई। एक काम, ट्रेन में ये भी ऐसी चल रही है, हमारी भी ऐसी चल रही है, मुझे लगा उड़ के जाती होगी। क्या बात है, पूछ क्या ना, ना सही है हमारी भाई साहब, पैसा खर्च ना करना चाहिए। सही बात है। तो भाई साहब अभी हम लोग आ गए हैं ढाबों की नगरी में, यहाँ से हमारे ढाबे जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं भाई। वैसे हम जाकर रहे हैं, बस पहुँचने वाले, सीक्रेट है वो, तो अभी पहुँचते आपको वीडियो दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे थोड़ी भाई। एक्चुअल में क्या है ना, ये बस रवि भाई के सारों पे चल रहे हैं, बस चलते रहो और कोई अच्छी जगह लेके चल रहे हैं। मैं चलो ये चल रहे हैं तो अब देखते हैं, जाकर रहे हैं क्योंकि मैनेजर साहब आगे प्लान तो कैंसिल था, फिर मैनेजर साहब भी आगे जैसा कि बताया था आपको पहले, अभी मैनेजर साहब भी चौक गए थे, लेके कहाँ जा रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। कितनी दूर और है? बस 5 मिनट और, बस 2.5 किलोमीटर और। तो भाई साहब अब फाइनली यहाँ से हमारी फ्लाइट है गोवा के लिए। तो गाइस देख रहे हो 3 डेट फाइनली, अभी हम यहाँ आ गए जहाँ के लिए रवि भाई बोल रहे थे कि लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा हवाई अड्डा रेस्टोरेंट, जो कि यहाँ पे प्लेन के अंदर बैठ के पूरी तरीके से खाना पीना और इंजॉय होता है। अब चल रहे हैं अंदर, अंदर चलते हुए भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से बना हुआ है और यहाँ का भी फर्स्ट टाइम विजिट। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं हवाई अड्डा रेस्टोरेंट, जो कि नियर बाय अमरीक सुखदेव, और यहाँ का मैं अभी आपको व्यू दिखाऊँगा आगे जाके, जो कि मैनेजर साहब और साथ में हमारे रवि भाई लेके आए हैं, बोल रहे हैं आज आपको नई जगह लेके चलते हैं। सो एंजॉय करो गाइज, और नई जगह है, आप भी यहाँ पे देखो और अच्छा लगे तो विजिट करो यहाँ पे। नई नई जगह अगर घूमने का आपको शौक है कि कहाँ कहाँ हमारी नई नई जगह है घूमने के लिए, तो आप मेरी वीडियो के साथ साथ बने रहो और देख सकते हो कि कौन सी जगह कहाँ पे है, उस हिसाब से आप भी नई नई जगह आके घूम सकते हो और देख सकते हो। सो चलते हैं फिर, देर ना करते हो क्योंकि ऑलरेडी पहले ही लेट हो चुके हैं। तो गाइज आप लोग ना नज़ारे के मज़े लो, देख रहे हो कितना अच्छा बना हुआ है, एक प्लेन इधर है दूसरा प्लेन इधर है, दोनों एक दूसरे से टक्कर में खड़े हैं, एक साइड फुल हो जाए तो दूसरी साइड जाके टिकट बुक कर लो और दूसरी साइड जाके अपना बैठो। ये देखो डांस वगैरह भी चल रहा है, ओपन इधर ज्ञानी। सो अच्छी जगह है, मैं वॉलेट भूल गया गाड़ी में, तो वापस पहले वॉलेट लेके आता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग ना जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, और आज की जो ट्रीट है योगेश की तरफ से है। नहीं क्या होता है, योगेश ही बुला के लाया, तो आज की ट्रीट इसकी तरफ से है भाई। भैया क्या भैया, तो भाई चलते हैं अभी, एंट्री कर रहे हैं अंदर जाके, फिर एंजॉय करते हैं, देखते हैं क्या क्या कैसे मिल जाएंगे वापस। हाँ ये वापस मिल जाएंगे, योगेश फर्स्ट ना एंट्री ले रहा है अंदर जाने के लिए, तो आज की ट्रीट फ्रॉम मिस्टर योगेश। चलो भाई, थैंक यू भाई।
वाले अंदर चल के फिर करेंगे एंजॉय, क्योंकि एरोप्लेन उड़ेगा नहीं, बैठ के सिर्फ एंजॉय करना है। चलो भाई तो गाइस देख रहे हो पूरा एयरप्लेन वाला फील आ रहा है। यहाँ पे जो ड्रेस भी है ना लोगों का, वो भी पूरे कैप्टन केबिन क्रू वाली फील आएगी पूरी। सो दिस साइड विंडो सीट मैनेजर साहब, अपा इधर ही बैठ लेंगे साइड में। सीसो पे लगी हुई है जंग, नहीं यार फॉग है, ध्यान से देख, अभी हम ऊपर उड़ रहे हैं ना। हाँ फॉग है भाई, अभी हम ऊपर उड़ रहे हैं, देखो कितना बार फॉग हो रखा है। तो अभी यहाँ का आ गया हमारे पास मेन्यू, प्लेन के अंदर मल्टीपल मेन्यूज हैं, ऑर्डर कुछ भी करो सो मल्टीपल है, देखते हैं क्या क्या है अभी चॉइस। वैसे पार्टी तो योगेश की है, तो योगेश जी बताएंगे क्या क्या खिला रहे हैं आज। मैनेजर साहब बताइए भाई, इसमें वैसे ना यहाँ एंट्री करने का ये टिकट है जिसमें कि 200 रुपीज़ पर पर्सन का है, 400 रुपीज़ यहाँ पे गया है, जिसमें कि ये पूरे दिन के लिए वैलिड होता है और ये आई गेस अंदर यूजेबल है ना। यस बॉस। हाँ तो ये ना हम यहाँ पे इसको रिडीम भी कर सकते हैं। सही बोला ना मैंने, बस 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 भाई। सबसे पहले हमारा है यहाँ पे प्लेटर, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं इनकी स्पेशल है, जिसमें सारा कुछ इसमें थोड़ा थोड़ा होता है। सो रही भाई यहाँ पे कर रहे हैं सर, और अब टेस्ट भी करेंगे हम क्या क्या चीज़ें हैं, और करते हैं फिर मील को एंजॉय। भाई देख रहे हो पूरी की पूरी प्लेन वाली फीलिंग आ रही है, और यहाँ पे है कैप्टन साहब। कैप्टन साहब, कैप्टन साहब ये है ना कैप्टन? हाँ ये सर। पूरे का पूरा प्लेन वाला मज़ा आ रहा है। अभी देख रहे हो मैनेजर साहब की फोटोग्राफी चल रही है इधर। नहीं भाई आगे का प्लान तो अभी क्या ना, पहले यहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं, क्योंकि मुहूर्त में अपने सिद्धदेव भी आ गया। स्टार्टर हो चुका है, स्टार्टर हम ले चुके हैं, अब केवल मेन कोर्स बाकी है, उसके बाद फिर देखते हैं आगे भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं, तो आज आए हैं तो घूम के तो जाएंगे यहाँ पे, है ना। बिल्कुल हाँ, थोड़े आगे की फोटो वोटो ले लेता हूँ। डालो 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 पैरा डालो डालो भैया पैरा डालो। फीलिंग भाई यहाँ पे आओ ना, तो ये भी करवाना। तो भाई साहब योगेश जी की ना ट्रीट ना आज लंबी होने वाली है, क्योंकि अभी वहाँ से निकलने के बाद अब आए हैं अमरीक सुखदेव। लेकिन अमरीक सुखदेव हम पहले भी आ चुके थे, सो सोचा ट्राई करते हैं आज नया कुछ। सो अब हम लोग आए हैं गरम धर्म, अब यहाँ पे एंट्री करते हैं। सो देखो भाई साहब पीछे जा रहे हैं दोनों, और ये है गरम धर्म। गरम धर्म नाम भी अच्छा है वैसे। तो भाई अभी कर रहे हैं यहाँ पे एंट्री, देखते हैं पहले अंदर क्या है, कैसा नज़ारा, क्योंकि यार जैसे नाम है उस तरीके से इतना यहाँ पे रोलचोल है नहीं, बट शायद बॉलीवुड वाली स्टाइल में मेरे ख्याल से अंदर बनाया हुआ है, बाहर से देखने में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। बट चलते हैं और देखते हैं अंदर कैसा है। 24/7 देख रहे हो, अंदर घुसते ही धर्मेंद्र पाजी की सारी वीडियोज़ हैं, मतलब सारे के सारे पिक्चर्स लगे हुए हैं। लोफर, राजा रानी, राजा जानी सॉरी, देख रहे हो। चलो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। नाइस, बट इतना क्राउड नहीं है यहाँ पे, जैसा नाम है उस तरीके से इतना क्राउड नहीं है, क्राउड बहुत कम है इधर। बहुत ही कम क्राउड है पीछे, बिल्कुल लोकल स्टाइल है। चलते हैं पीछे विंटेज कार देखने। सो गाइस यहाँ पे ना देख रहे हो ऑटो, ये धर्मेंद्र पाजी की मूवी में जो यूज़ हुए हैं ना ऑटो, जीप और मोस्ट थिंग बाइक, तो वो यहीं पे ना शो में लगाई हुई है। यहाँ पे आप पिक्चर वगैरह भी ले सकते हो, और बड़ा आनंद है। और भी दिखाता हूँ आगे, और भी है, बहुत बड़े में बना हुआ है, बहुत लंबे एरिया में बना हुआ है, दिखाते हैं आपको आगे।
तो देखो गाइस इधर, अबे ये क्या बना रखा है यहाँ पे, कौन बैठेगा या क्या है, किस चीज़ के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ना मूवी वाला पूरा का पूरा माहौल बनाया हुआ है। यहाँ पे धर्मेंद्र साहब की फोटो और ये जीप, आगे से इधर से उनकी रसोई वगैरह है जो भी है। बना हुआ तो अच्छा है बट क्राउड बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। सो गाइस यहाँ पे ना इतना क्राउड नहीं है, और जब क्राउड नहीं है तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम वापस से अमरीक सुखदेव ही जा रहे हैं, और वहाँ पे देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है, फिर वहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो अंदर इतना मज़ा आया नहीं, वैसे अच्छा बना हुआ है, अगर आप आते हो तो यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हो, बहुत अच्छी जगह हैं। बाकी चलते हैं फिर अमरीक सुखदेव की तरफ। तो गाइज़ अभी हम वापस से आ गए हैं अमरीक सुखदेव। यहाँ पे क्राउड बहुत है, देख रहे हो, यहाँ तो गाड़ी पार्किंग के लिए भी जगह नहीं है, और वहाँ बिल्कुल भी मतलब क्राउड नहीं था। सो पता नहीं क्या रीज़न हो सकता है, वो तो मुझे भी नहीं पता, बट यहाँ देखो यहाँ कितना मज़ा है। अब चल रहे हैं अंदर, यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, यहाँ मज़ा लग रहा है कि यहाँ पे मज़ा आएगा। अरे मैनेजर साहब कुछ कह रहे हो, क्या कह रहे हो भाई? अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा घर वाली फीलिंग, सच में घर वाली फीलिंग लेने आए नहीं हम लोग, बाहर आए तो बाहर का खाना है। दूसरी चीज तो चाकू थी, हांडी बिरयानी, क्या बात है, कुछ स्पेशल पराठा। ओहो तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। हाँ भाई जबरदस्त बिरयानी, मटका पनीर बिरयानी, यहाँ पे बिरयानी की, तो यहाँ पे बिरयानी का प्लान कर रहे हैं भाई। यहाँ पे करिए बिरयानी ऑर्डर, सब बिरयानी भी खा रहे हैं साथ में। क्या इसके क्या हो गए इसे? अच्छा साथ में रायता सैलेड और इधर बिरयानी। चलो यार टेस्ट करते हैं भाई। वैसे एक बात है, यहाँ पे आना ना मतलब बस क्राउड का मज़ा है, घूमने के लिए अच्छा है, बट सच्ची बात खाने में इतना मज़ा नहीं है। वेरी ऑनेस्टली खाने के लिए आप कहीं और भी जा सकते हो, लेकिन घूमने के लिए आना तो बहुत बढ़िया जगह है। भाई 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 घर आ गई पार्टी डन, अब नींद आ रही है, सोना है, अब जाके सोएंगे, खाना वाना भी हो गया, मज़ा आ गया। चलो फिर अब चलते हैं। सो गाइज यहीं पे ना अमरीक सुखदेव पे यहाँ पे पूरी तरीके से मार्केट भी लगी हुई है, यहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाता है मोस्टली, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, ऐसा तो नहीं कि पूरी मार्केट होगी, अचार वगैरह, और यहाँ पे मतलब चॉकलेट्स वगैरह अलग अलग शॉप हैं, स्वीट्स की भी है और इलेक्ट्रिक शॉप भी है यहाँ पे, गैजेट्स वगैरह बहुत सारी शॉप है। पता नहीं योगेश किधर गया, ये रहा मिल गया भाई। भाई लोगों के तो बच्चे घूम रहे हैं, तेरा क्या घूम रहा है यहाँ पे, तेरा क्या घूम रहा है यहाँ पे? दो मिनट बिन, अच्छा तो भाई देख रहे हो यहाँ पे चल रहा है गेम, दो मिनट के लिए खड़े रहना है और 5,000 रुपीज़ यहाँ पे जीतना है, देख रहे हो। तो इसका इसका बेसिक तो चार्ज होएगा कुछ, मतलब चार्ज 150 चार्ज है, आप दो मिनट खड़े रहो और 5,000 जीतो। सो देखते हैं भाई कितना चलता है, चल रहा है टाइम, धीरे धीरे चल रहा है, कितना टाइम हो गया टाइम दिखाता हूँ, 24 सेकंड। ऐसे देख रहे हो 31 गाइस, पूरा देखना मज़ा आएगा, देखते हैं क्या होता है। पहले क्या है, अरे वाह देखते हैं इस बार क्या होता है, कितना हो गया 47 49 बस हो लिया, नहीं नहीं बस हो लिया। कितने सेकंड पे हुआ है, कितने सेकंड पे हुआ था? 1:12 पे हुआ। अच्छा ये घूमता है शायद ना, हाँ ये राउंड होता है उस हिसाब से, तभी चैलेंज दिया हुआ है, नहीं तो होल्ड हो सकता है आराम से, ये घूमता है। सो गाइस मैनेजर साहब इज ऑन द फ्लोर, अब टाइम हो गया, चलो जल्दी यहाँ से चलो। सो गाइस भाई भी यहाँ पे आ चुके हैं, भाई लोग भी इंजॉय कर रहे हैं चुलकाना धाम, भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, चलें भाई साहब
हाँ तो चलो हमारे भाई खाने पीने के लिए। भाई देख रहे उधर दिख रहा है गरम धरम, लेकिन कोई वहाँ पे क्राउड नहीं है, और यहाँ पे अमृत सुखदेव और यहाँ का क्राउड देखो भाई साहब। भाई साथ में ना अभी हम लोग आए थे तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी मिले हमें, लोग मतलब लग रहा है कि हाँ मेरी वीडियो देख रहे हैं, बड़ा मजा आया। ये देखो रही, एक बार दोबारा दिखा, दोबारा रही भाई दोबारा। ओ भाई साहब क्या बात है, ना ना मेरे को नहीं करना, चलो मैं भी करता हूँ, मैं भी ऐसे निकलता हूँ। तो भाई वहीं साइड में अब नाइट आउट पे घूम रहे हैं, तो मैनेजर साहब को मिल गए यहाँ बैनेटन का शोरूम, जो कि अब घुस गए यहाँ पे, तो थोड़े बहुत कपड़े अब चेक किए, उसके बाद क्या एक टी शर्ट भी ले लिया साथ ही साथ, अब आ गए हैं, पसंद लग गया तो फिर ले लिया। क्या कह रहे हो भाई, आ जाओ फिर, आप बहुत लेट हो गए, हम निकलते हैं यहाँ पे, बहुत टाइम हो गया हम लोगों को भी, चलो भाई। तो भाई अभी ना यहाँ से हम लोगों कर लिया एंजॉय, बाकी वीडियो में आपने देखा ही होगा हम लोगों ने पूरा फन किया यहाँ पे, आज का दिन मतलब अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस था हमारे साथ भी और मज़ा आया। और बाकी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, प्लीज़ सपोर्ट अस गाइस, सो ताकि मैं आगे भी इस तरीके की वीडियोस लाता रहूं। और जगह बहुत अच्छी है, आप अगर दिल्ली NCR में आप अच्छी अच्छी जगह घूमना चाहते हो सो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस लाऊं आपके मतलब की, और आप देखो एंजॉय करो, यहाँ पे भी विजिट करो, बहुत अच्छी जगह है। अभी हम लेट हो चुके हैं वैसे, तो देखते हैं कि अभी थोड़ा आगे घूमने का विचार बनता है या नहीं, बाकी फिर जाएंगे वापस घर, फिर किसी दिन आएंगे और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और